जी जी क्या कुछ एक्साइटमेंट रही है, कैसा गया आपको? पहला शो टेलीकास्ट हो चुका है और हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये शो मुझे लगता है बहुत डिफरेंट होने वाला है बाकी सीजन के, क्योंकि एक तो होता है स्टंट, पर यहाँ पे स्टंट और कॉमेडी साथ के साथ होने वाली है। और यहाँ पे आप लोगों को ना दोस्ती की एक नई बॉन्डिंग भी दिखने वाली है, जो कि मेरी, नायरा और ऐश्वर्या की रही है। और हम लोगों का जो मस्ती, क्योंकि हम लोगों ने एक नाम दे रखा है, मैं सास हूँ, नायरा बेटी और अपना ऐश्वर्या बहू, तो ननंद सास और बहू में जो तकरार होने वाली है वो आपको इस शो में देखने को मिलेगा। जी 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 बिग बॉस से देखो, शिव और मैं ही आए हैं, और जैसे कि मैं शिव को ऑलरेडी पहले से जानती हूँ, यानी 4.5 महीने मैंने साथ में बिताए हैं, तो हम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैसअप था, बट कहते हैं ना, जब आप किसी के साथ रहने लग जाते हो तो नेचर जानने लग जाते हो, तो फिर उसके बाद हम लोगों की जो बॉन्डिंग बनी है वो सुपर बनी है, और आज हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। फुल ऑन मस्ती रहा है तुरतुर के साथ। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसका मतलब उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सांपों के बीच में वो लेटा हुआ है और स्टंट कर रहा है, और यहाँ तक कि मेरे साथ भी उसका स्टंट था और सक्सेसफुल हुआ, तो मेरा बहुत साथ दिया है उसने ताला खोलने में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। जी 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 जो एक एक्ट्रेस फॉलो करती है लाइक डाइट से लेके, जिम से लेके और डेली रूटीन से लेके, वही चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ। बस उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा हो गई है कि बाकी एक्ट्रेसेस को इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती है, तो मैं वो चीज़ें सीख रही हूँ, यानी मैं ट्यूशन ले रही हूँ, और मे बी आई विश कि मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए डे बाई डे जैसे मैं हो रही हूँ। तो बस मैं यही मैं आपको फैंस को प्लीज़ मैं फैंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं पूरी चेंज हो रही हूँ। बस जब विदेश जाऊँगी, यानी अमेरिका में अगर शूटिंग हो गई, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे आना चाहिए। आप भी चाहते हो कि मुझे इंग्लिश आए, राइट? और रही बात नेचर की, वो ऐसे ही रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मुँह फट ही रहूँगी और मस्ती करती रहूँगी, और आपकी क्यूट अर्चना ही रहेगी। फुल ऑन ही इज़ अ मतलब सुपर, मतलब हर किसी को उन्होंने मोटिवेट किया है। अगर वो नहीं होते थे शो में तो शायद हम लोग इतनी दूर तक आ भी नहीं पाते। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है हम लोगों के स्टंट में। थैंक यू। बस यही बोलना चाहती हूँ, आज से खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ सभी लोग खतरों के खिलाड़ी ज़रूर देखें। हाय गाइस, दिस इज़ अर्चना गौतम और मैं हूँ मी स्टारलिन एंटरटेनमेंट पे। थैंक यू।